ये जो फूल का माला बनाए ना, हर बंगाली घर में ये पेड़ का होगा। और रोज रोज ठाकुर जी के लिए सुंदर फूल की माला बना करके वो लोग देखो, अभी यहाँ पर भी आकर के ना देखो, दोनों बंगाली भैया वहाँ पर बैठ बैठ करके ठाकुर जी के लिए फूल की माला बना करके देते हैं। मेरे गुरु जी कहते थे, ध्यान देख रहे सुनो, मेरे गुरु जी कहते थे जो फूल की सेवा है ना, सबसे जो निस्वार्थ सेवा फूल है। बोले क्यों? देखो मेरे गुरु जी कहते थे, जैसे घर में आज शाही पनीर बन रहा है, घर में शाही पनीर बन रहा है, मटर पनीर बन रहा है, लेकिन पहले किया आज बढ़िया खाना बन रहा है, पहले मन आज बढ़िया खाना बन रहा है, मतलब खाने को मिलेगा, देखना जीवन में पानी आ जाएगी। लेकिन जब फूल की माला बनाते हो ना, फूल तो खा ही नहीं सकते हो, इसलिए फूल का प्रति कोई भावना नहीं होती। फूल संपूर्ण रूप में ठाकुर जी की सेवा में ये फूल लगती है, इसलिए ये फूल का एक नाम है सुमन। फूल का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, जिसका मन सुंदर है वही तो ठाकुर को सेवा में लगेगा। इसलिए ठाकुर जी फूल की सेवा को, मेरे गुरु जी कहते थे जितने सेवा में जो फूल की सेवा है ना, सबसे बढ़िया सेवा। इसलिए आप लोग हो सके तो कोशिश करना, घर में फूल ला कर कुछ रख लेना, गेंदा फूल फ्रीज में रख लो, थोड़ा रोज रोज ठाकुर जी के लिए एक माला बनाओ, गोपाल जी के लिए घर में है, ठाकुर जी के लिए सुंदर फूल की माला बनाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार करो है, उसमें ठाकुर जी की सेवा में जितने ठाकुर को सेवा करके उतना ठाकुर खुश रहेंगे। ठीक है, अभी प्रभु जी आपको एक सुंदर कितना सुनाएंगे, और कल श्री जन्माष्टमी है, इसलिए कल सबके सब सद्भज करके आना, और ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ साथ में ले करके आना, कुछ टप्पी हो, खिलौना हो, क्योंकि कथा आप लोगों का कथा है, किसी एक व्यक्ति का कथा नहीं। हाँ, और दो मिनट सुन लो, फिर एक कीर्तन, फिर प्रसाद लेकर के जाना। देखो, जब श्री परीक्षित महाराज राजत्व कर रहे थे, एक दिन उन्होंने देखा जैसे जगत में कुछ अपशकुन सा दिख रहा है, जगत में कुछ अमंगल सा दिख रहा है। परीक्षित महाराज भ्रमण करते करते जब प्राची नदी के किनारा पर पहुंचे, एक आश्चर्य घटना देखा। देखा तो एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है, और उन्होंने देखा एक बैल का तीन प्यार नहीं, वो एक प्यार में खड़ा हुआ है, और एक शूद्र राज वेशधारी वो एक प्यार को भी तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो बड़ी जोर जोर से रो रहा था। परीक्षित महाराज बोले, भैया ये गैया तुम कौन हो? बोले मैं पृथ्वी हूँ। बोले रो रही है क्यों? बोले कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, अभी ये कलयुग आएगा, कलयुग में लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, अभी ये पाप कर्म को मैं सहन कैसे करूं, इसलिए मैं रो रहा है। बैल को पूछा, भैया तू कौन हो? बोले मैं धर्म हूँ। बोले तुम्हारी तीन प्यार कहाँ गया? बोले सत्य त्रेतया द्वापर तीन युग बीत गया, इसलिए धर्म का तीन चरण खत्म हो गया, और धर्म केवल एक प्यार में खड़ा हुआ है धर्म। बोले ये कौन है? बोले ये कलयुग। बोले ये क्या कर रहा है? बोले ये एक प्यार को तोड़ रहा है। बोले क्यों? बोले कलयुग में कोई धर्म कर्म रहने में नहीं दूंगा, केवल पाप पाप ही कलयुग में हो। परीक्षित महाराज बोला, देखो जब तक मैं रहूंगा तब तक ये तुम आ नहीं सकते हो, मेरे सामने से तू हट जाने तो जान से मार डालूंगा। बोले प्रभु कहाँ जाऊं? ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में आपका राजत्व है, हैं? संपूर्ण पृथ्वी में जब सब जीव को अपने स्थान दिया, मेरे को भी तो स्थान देना पड़ेगा। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, ये कलयुग तो पाप का युग है, लेकिन ये कलयुग में एक गुण भी है, अगर थोड़ी सी कोई हरि नाम कर ले, थोड़ी हरि कीर्तन कर ले, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कलयुग में ज़्यादा परिश्रम की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कलयुग में हरि का नाम में केवल एक शक्ति है। अब विशेष करके ये जो कलयुग, जिस कलयुग में हम आए हैं, ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले ये कलयुग झगड़ा का युग है, भाई भाई में झगड़ा, बहू बहू में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, देश देश में झगड़ा, मन मन में झगड़ा, ऑफिस सर्वत्र झगड़ा झगड़ा है कली। इसलिए ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, लेकिन जिस कलयुग में अभी हम आए हैं, कभी ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, ये कलयुग को बताया ये धन्य कलयुग है। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा का एक दिन में एक बार केवल श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं,
हर तृतीया में प्रभु राम नहीं आते हैं, है ब्रह्मा का एक दिन में जिस तृतीया में राम आएंगे उसी द्वापर में कृष्ण आते हैं और उसी कलिजुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और ये कलिजुग में बड़े बड़े देवता लोग भी ये कलिजुग में जन्म लेना चाहते हैं। सत्य तृतीया द्वापर युग का लोग भी कलिजुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। देखो आप लोग जो माला कर रहे हो ना, हम दिख रहा है कोई भी माला कर रहे हो, आपको पता है तुम जो माला कर रहे हो कौन हो? ये शास्त्र कहता है पूर्व जन्म में तुम लोग जो देवता लोग थे, देवता से भी बड़े लोग थे, तभी इसी जीवन में माला जप कर रहे हो, ये भागवत कहता है। इसलिए भगवान कहते हैं अपना माँ को, बोले माँ साधारण व्यक्ति भगवान के नाम नहीं जप कर सकता है। बोले कौन जप कर सकता है? बोले पूर्व जन्म में जो चार काम कर लिया है। हाँ ध्यान देकर सुना सबके सब, ये भगवान कहते कौन हरि नाम कर सकता है? ये ठाकुर जी कहते हैं जो पूर्व जन्म में चार काम करके आया वही नाम कर सकता है। बोले चार काम क्या है? बोले पहले जन्म में सारे दान जो कर चुके हैं, पूर्व जन्म में सारे तपस्या जो कर चुके हैं, पूर्व जन्म में सारे तीर्थ जो घूम चुके हैं, पूर्व जन्म में सारे यज्ञ जो कर चुके हैं, बोले माँ उसी का जीवा से ठाकुर का नाम निकलेगा। अब देखना हम कभी कभी संसार में बैठ करके सारा दुनिया की चुगली, उसकी बेटी ने ऐसे कर दिया, उसकी बहू ने ऐसे कर दी, उसका बेटा इतना सारा दिन बात करते रहेंगे, बोलेंगे थोड़ा माला जप करो, वो नहीं होगा क्योंकि पाप है ना, वो पाप उसको करने नहीं देता है। इसलिए करोड़ों जन्म का पुण्य से कोई प्रभु का नाम जप करता, इसलिए एकादश स्कंध में बताया जो लोग हरि नाम कर रहे ना वो पूर्व जन्म में सो देवा देवी थे, तभी ये कलयुग में जन्म लेकर के ये भगवत नाम को जप कर रहे हैं। इसलिए क्या करना, सब सब हरि नाम जप करना, ठीक है ना? समय को फजूल के उल्टा सीधा चीज में नहीं बिता करके माला लेकर भजन करो, और यही केवल काम में आने वाले और कोई काम में आने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने देखा ये कलयुग में महाप्रभु आकर के सर्वत्र ये हरि कीर्तन प्रचार करेंगे और सबको प्रभु का नाम देंगे, इसलिए उन्होंने कलयुग को स्थान दिया। बोले कली को कहाँ कहाँ पर स्थान दिया? बोले चार ही जगह पर कली को स्थान दे दिया। अगर कलयुग में केवल ये चार नियम को कोई पालन कर ले और थोड़ी सी कीर्तन कर ले, वह बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बोले चार नियम दिया, अभी ध्यान देकर सुन, ये काम कीजिए। जैसे तुमको कोई बीमारी, किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए, वो डॉक्टर तुम्हारी बीमारी सही करना चाहता है, वो पहले परहेज बताएगा। बोले बेटा अगर ये परहेज को साथ में दवा लोगे ना, जल्दी जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। कहते दवा क्या है? बोले भगवान के नाम ही कलयुग में दवा है। एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। इसलिए उन्होंने दवा भगवान का नाम और परहेज चार ये। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए, जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण सत्य नष्ट हो जाता है। आप देखना जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना वो कभी सच नहीं बोल सकता है, वो झूठ को बड़े झूठ 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 बोलता रहता है, इसका एक थोड़ा कम करता। इसलिए धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाएगी। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं कितना बड़ा राजा था लेकिन जुआ खेल कर कितने सत्यानाश, राज्य गया, भाई गया, भरी सभा में पत्नी की वस्त्र हरण देखना पड़ा और 13 साल तक जंगल में भटक कर रहा। देखो जो व्यक्ति ये जुआ खेलेगा ना उतना दुर्दशा भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी जुए में सट्टा फट्टे में हाथ मत लगाया करो। ये सब चीज खेल करके कोई अभी तक बड़े आदमी नहीं बने, जैसे अगर पैसा कुछ आएगा ना ऐसे ही लुटा देगा सबके सब। दूसरा नंबर है किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लो। नस्ली वस्तु में पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसका एक भी कर ले, इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी
चाहिए। देखो मैं पहले बताया था ना, शराब जो पीते हैं उनके तीन लाभ है। कितना लाभ है, क्या क्या लाभ है? पहला लाभ है वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं बनेगा, दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, और तीसरा लाभ क्या, कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले बूढ़ा नहीं बनेगा मतलब जिंदा हो तभी तो कोई बूढ़ा बनेगा ना, अगर पी पा करके तो आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, फिर बूढ़ा कहाँ से बनेगा। इसलिए ये शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ लड़की लड़की है, वो लड़का बहुत कम है। मैंने पूछा भैया रसिया में इतने लड़की क्यों, एक एक आदमी का पीछे आठ आठ दस दस लड़कियां। मैंने कहा भैया इतनी लड़की लड़की क्यों है? बोले यहाँ पर ये बचपन से ही शराब पीना शुरू करते हैं और पी पी कर आंत सड़ गल कर खत्म, और इनकी जो पौरुषत्व है ये नहीं रहता है, इसलिए सबके सब लड़की जन्म हो रही है यहाँ पर। इसलिए ये चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसे हो गया, अगर शादी विवाह हुआ, बच्चे का बर्थडे हुआ, अगर शराब नहीं पिलाया ना, मांस नहीं खिलाया, बोले ये कौन सा शादी है, तुमने शराब नहीं पिलाया, नहीं ये गंदी चीज है। देखो एक संत कहते थे, अगर किसी बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, इसमें इतने लोगों को बुला करके तुमने अगर उनको मांस खिलवाया, उनको शराब पिलाया, वो संत कहते थे जिस बच्चे के उद्देश्य में तुमने इतने बोतलों तोड़वाया, मतलब शराब पिलाया, और इतने जीव को तुमने हिंसा की, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा कभी? वो कहते थे अगर 100 साल को अगर होगा ना, वो झट 50 साल में आ जाएगी। क्यों? उसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म कराया। ये केक काटना और डिस्को डांस करना ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति आप लोग तो गुजरी है। देखना शादी हो हर काम में पहले माताएं बैठ करके कीर्तन करती थी, मजीरा ढोलकी लेकर के कीर्तन करती थी। बोले क्यों? भगवान की कीर्तन किसी को द्वारा कीर्तन करवाओ ना, कितना मंगल भवन अमंगल हरि, अगर कोई पाप होगा तो हरि कीर्तन से वो खत्म हो जाएगा। ये हमारी संस्कृति है, इसलिए कहते हाँ, इसलिए ये चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। किस तरह का? नस्ली वस्तु मत लिया करो। तीसरा जो वस्तु है कहते स्त्रियम, बोले स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास। बोले कौन सा स्त्री है? बोले संसार करो, शादी करके पति पत्नी मिल करके घर गृहस्थी बैठाओ। ऐसे नहीं शादी नहीं किया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहे हो, नहीं शास्त्र इसको सिर्फ। अभी इतना डाइवोर्स क्यों हो रहा है बताओ, इतने कारण क्या? कारण यही है, हैं? इसलिए यही, अगर एक लड़की बहु लड़का को साथ में घूम करके आई, एक लड़का बहु लड़की से घूमा, तो शादी करके कैसे घर बैठा गया बताओ? तभी तो इतना डाइवोर्स उल्टा पुल्टा इतना हो रही है। इसलिए ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। संसार करो, शादी करके पति पत्नी, अपना धर्म को साथ में घर गृहस्थी बैठाओ। यहाँ पर धर्म का तीसरा चरण पवित्रता नष्ट हो जाती है, और चौथा नंबर जो है जीव हिंसा। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, और प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। ये जो मांस है इसका नाम मांस, मांस मतलब क्या, ये संस्कृत शब्द है। मां मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी जिसको हम खा रहे हैं बाद में जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट, मीट मतलब क्या, मी ईट, मी मतलब मुझे, ईट मतलब खाना, मतलब जिसको तुम अभी खा रहे हो बाद में तेरे को फिर जो खाएगा, इसलिए उसका नाम मीट कहते हैं। इसलिए ये चीज को हमें त्याग दे करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो। अगर थोड़ी सी ये परहेज को साथ में केवल थोड़ी सी हरि नाम कर, बस तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। देखो और एक बात, अब लोग बुरा मत मानना, जो लड़कियां हैं ना जो यंग है, कोशिश करना प्रेम करने से पहले सोच करके। अभी दूसरे दूसरे जाति के व्यक्ति वो हिंदू का नाम लेकर के हिंदू लड़कियों के साथ में प्रेम करता है, और बाद में पता चलता है ये दूसरी जाति का, कोई मुसलमान जाति का। इसलिए प्रेम करने से पहले सोच विचार करके इस चीज को करो, नहीं तो पता नहीं कहीं जाकर फंस जाओगे, हैं? कहीं जाकर के बुरे जगह में कहीं फंस जाओगे। इस चीज को सब ध्यान दे करके धीरे धीरे इस चीज को अपना मन में ध्यान दे करके सारे काम को करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा तुम लोगों को। अभी कल यूट्यूब में दिखा रहा था कोई एक मुसलमान लड़का, वो लड़की बन करके क्या लड़कियों को फंसा रहा था। वो लड़की बेस आप लोगों को देखे हम यूट्यूब में, देखे कि नहीं,
कि मुसलमान का एक लड़का लड़की का ड्रेस पहन लिया और ड्रेस पहन करके वो लड़कियों को बहका रहा था, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा यूट्यूब में उसको भेज दिया किसी ने। इसलिए आप लोगों सावधान रहना, कहीं प्रेम करने से पहले सोच विचार कर प्रेम करो। हाँ, अभी प्रभु जी आपको एक बड़े सुंदर भजन कीर्तन गाएंगे। आप लोग सबके सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के सबके सब ये कीर्तन में सबको सब नाचना, ठीक है ना? भगवान के कीर्तन में नाचना, फिर सारे नाचना तुम्हारी बदल जाएगी। हरे कृष्णा। देखो, जो दो व्यक्ति का मैंने नाम लिया था ना, आज जिनके प्रसाद आज सामने आ जाना दो व्यक्ति, और आप अपना हाथों से ठाकुर जी को आरती उतारना। जिनका नाम मैंने लिया था, आज का प्रसाद जिन्हें दिया है वो सामने आ जाओ। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। उन्हें में श्याम कुमार कोई प्रेम करो I'm
अभी जैसे वो लड़की खड़ी होकर कथा सुना रही थी ना, हम भी चाहते हैं आपका लड़की और जो लड़के हैं ये लोग भी ऐसे कथा सीखे। और देखो जो बेटा बेटी भगवान की भक्ति करेगा ना, वो 100% पिता माता की आदर करेगा, पिता माता की चरण छुएगा जो बच्चा भक्ति करेगा। हाँ, नहीं तो आपको पता है बच्चा जब घर से निकलता है ना, वो कहाँ घूम करके क्या करते हुए आया मुझे बताइए। वो जो घर से निकलता है और उल्टा पुल्टा संगत में पी पा कर कहीं आता है। हाँ, देखो ध्यान देकर सुनेगा। इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारे बच्चे को बड़े संस्कार पड़े। इसलिए अगर आपका कोई बच्चे हो जैसे 10 क्लास से ऊपर हो, 10 क्लास में 8 का इसको ऊपर हो, जो कॉलेज में पढ़ते हुए हो, आप बच्चे को यहाँ भेज सकते हो। जैसे यहाँ जैसे 8:30 बजे तक यहाँ क्लास होती है, उसको बाद में हमारे बीच में ये जो प्रभु जी खड़े हुए ना, ये भी बहुत लिखे बड़े, बहुत भी लिखे बड़े। कहाँ पर पढ़ाई की, कहाँ पर एम कम करके वो लड़का आया है, अभी जो पहले कल कथा सुना रहा था। ये भी प्रोजेक्ट के द्वारा कैसे यंग जनरेशन को कैसे भक्ति में लगाया जाए, वो प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चों को सिखा देता है। इसलिए अगर आप चाहोगे कल से आप अपना बच्चों को, छोटे नहीं थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्लास 10 से ऊपर हो, वो बच्चों को अगर आप लोग बुलाओगे, ये उन बच्चों के लिए कल से जैसे आधा घंटा एक घंटा उनके लिए केवल उनके लिए क्लास अलग देगा। जैसे ये बच्चे धीरे धीरे पिता माता की सेवा करें, गुरुजन को आदर करें, भगवान की भक्ति करें, ठीक है। आप लोग चाहते हो, कौन कौन चाहते हो, अगर चाहते हो कल अपना सब बच्चों को बोलना, बोल देना आ जाए सबके सब। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, अगर प्रभु जी कह रहे हैं जैसे कल जब आप श्रृंगार करके आओगे ना, अगर सोने का चेन पहनना तो देख करके आना, कभी कभी बचन से होकर जाते हैं कथा से, चेन कभी कभी चली जाती है। अगर सोने की कोई, सोने की चेन मत पहना करो, ठीक है, सोने की कोई नहीं, आप दूसरे चीज पहना करके आना, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। अभी जो दो व्यक्ति का नाम लिया ना, जो प्रसाद दिए, वो दो व्यक्ति कौन है, कौन है? आप इधर आ, ठाकुर जी आरती होगी, आरती करना। बाके बिहारी तेरी आरती करो, बाके बिहारी तू आरती करो, तेरी घर तेरी आरती करो, तेरी घर तेरी आरती करो, मोरन तुझे तेरे शीश पे सोए, मोरन तुझे तेरे शीश पे सोए, प्यारे बंसी मेरे मन मोरे, प्यारे I'm sorry.
जय जय श्री राधे, जय श्री शिव।